सर चले निंजा टेक्निक सीखने। डिंग डिंग। चंदा रे कभी तो बगीचे में आ, बैठेंगे बातें करेंगे। ऐसे नहीं कहनी चाहिए, ट्यून में गाओ। चंदा आजा कभी तो बगीचे में आ, बैठेंगे बातें करेंगे। आइको मैडम कितना सुरीला गाती है, क्या बात है। मेरी प्यारी मक्खी, तू जानती है ना कि तुझे क्या करना है। जा चंदा रे चंदा। कौन है बाहर? आइको सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? असल में बात ये है कि आइको मैडम, दरअसल बात ये है कि हमारे सर भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो मेरे ख्याल से हमें उन्हें भी एक मौका देना चाहिए। क्या? हाँ, क्यों नहीं, आइए सर अपना हुनर दिखाइए। आजकल मेरे गले का उपवास है। बुरे फंसे सा। सर शुरू हो जाइए। बकीचे रे कभी आ, चंदा पे बैठेंगे बातें। क्या हो या चंदा, बगीचे आ जा, बातें करेंगे नहीं करेंगे, कुछ तो भी करेंगे, हंसेंगे खेलेंगे, चंदा पे उठेंगे। अरे ये तो रो पड़े। मैं तो फटे बांस की तरह गा रहा था, मैं कभी आइको मैडम के सामने नहीं जा पाऊंगा। अरे बाप रे, आइको मैडम, ना भागो, मिस आइको, नहीं छुपाओ, छुप जाओ, ऊपर चढ़ जाता हूँ। अरे ये बच्चे कौन है? गुड मॉर्निंग आइको मैडम, मैं केनिची का दोस्त हूँ और मेरा नाम है हथौड़ी। अच्छा, हाँ मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है, तुम वही हो ना जो केनिची के घर में रहते हो। तुम्हें मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा आइको मैडम, लेकिन अभी हम लोग ट्रेनिंग पर है, हम आपसे दोबारा मिलेंगे, अभी हम लोग को चलना होगा। गुड बाय। गुड बाय। मुझे यहीं बैठकर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। आइको मैडम ने यहाँ बैठकर मेरी परेशानी और बढ़ा दी। इनका गाना मुझ पर फिर से जादू कर रहा है। कैसे भूल सकता हूँ कि वो मेरे बेसुरे गाने पर कितना हंसी थी। मुश्किल वक्त कमांडो सर, मुश्किल वक्त कमांडो सर। आ जा, टेनी में आया है, म्यूजिक है, हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। रुको, मैं भी आया। हाँ, अरे कोई मेरे नोट्स को पकड़ो। मुश्किल वक्त फिकर नॉट आइको मैडम, आपके म्यूजिक नोट्स बिल्कुल सही सलामत है, ये लीजिए। शुक्रिया हथौड़ी, तुमने तो मेरी परेशानी ही खत्म कर दी। ये तो मेरा फर्ज था। अरे हाँ, मैं समझ गया, मुझे आइको मैडम पर दोबारा भरोसा जमाने के लिए निंजा टेक्निक की मदद लेनी चाहिए। क्या मतलब, आप चाहते हैं कि मैं आपको निंजा टेक्निक सिखाऊं? बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। हथौड़ी, मुझे निंजा टेक्निक सिखा दो ना, ताकि मुझे मेरी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाए। नहीं, आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। बस मुझे देखना और बताना कि मैंने कैसा किया। देखते रहना पेड़ पर चढ़ने की निंजा टेक्निक। हमें इसे ऐसे पकड़ना चाहिए या फिर इस तरह से? आप इसे दोनों तरह से पकड़ सकते हैं। ठीक है, मैं फेंक रहा हूँ। या, 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 या। अरे ये तो रुक ही नहीं रहा। अब मैं शुरू कर रहा हूँ। बस बस, अपने हाथ छोड़ दीजिए। आपका भी कोई जवाब नहीं है सर, आप तो गिरते हैं उसमें भी एक कमाल होता है, क्या बात है। आइको मैडम, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे सर तुम्हारी तरह निंजा टेक्निक्स का इस्तेमाल कर आइको मैडम के म्यूजिकल नोट्स वापस लाकर उनका दिल जीतना चाहते हैं। क्या? आज मैं अपनी इज्जत वापस पाकर ही रहूंगा। आइको मैडम, काश हवा चल जाए।
हवा चल ना प्लीज। सर का हाल पूरी तरह से बेहाल हो चुका है, बेचारे फिर भी कितनी मेहनत कर रहे हैं। काश हवा चले और म्यूजिकल नोट्स उसके साथ ही उड़ जाए। लगता है आज हवा के चलने का कोई मूड नहीं है। डिंग 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 डिंग। थोड़ी तुम कहाँ जा रहे हो? हवा का बवंडर बनाने की निंजा टेक्निक। मेरी तो निकल पड़ी, मैं आ रहा हूँ। अरे नहीं, बचाओ बचाओ। सर ये क्या हो गया? ओ काइको सर। डिंग डिंग डिंग। ये सर को क्या हो गया? ए सर, काइको सर उठिए, आप ठीक तो है ना? आइको मैडम, आप, मेरा तो बैंड बज गया। काइको सर क्या हुआ, उठिए ना। मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है सर। तुम चाहे इसे गलत बात कहो केनिची, लेकिन अपने सर की तो निकल पड़ी। देखो तो सर की मेहनत वसूल। डिंग डिंग। नहीं सुधरेगा शिशिमानू। डिंग डिंग। केनिची जल्दी करो वरना तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। पता है, गुड बाय। धत तेरे की, मैं फिर से लेट हो गया। पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा, नाश्ता भी नहीं करके गया। अपने छोटे से घर के आगे आराम से बैठकर नाश्ता करने में जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं है। जीना इसी का नाम है। वाह बहुत ही टेस्टी था मम्मी, ये वापस ले लीजिए। अरे वाह शिशिमानू, तुम्हारा बोल वापस लाने के लिए शुक्रिया। वापस तो लाना ही पड़ता। अच्छा और खाना खाना है मम्मी। इसे देखकर कौन कहेगा कि ये एक निंजा डॉग है। अगर हमने जल्दी इसके हालत का कोई इलाज नहीं किया तो ये किसी लायक नहीं रहेगा। शायद हमें कोई तरकीब लड़ानी पड़ेगी जिससे इसे एहसास हो जाए कि ये एक निंजा डॉग है। आओ शिंजो चलो मेरे साथ। ओके बल्ले भाई। क्या कहा तुम, सच कह रहे हो क्या? क्या मैं उसके फिश रोल चुरा लूं? हाँ तुमने ठीक समझा कियो। जरा ये बताओ चक्कर क्या है? कोई चक्कर वक्कर नहीं है, अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें 3 फिश दूंगा। सिर्फ 3? अच्छा चलो 2 और दूंगा। वाह वाह ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। आज तो पूरा यकीन हो गया कि ईगा निंजास ढक्कन होते हैं। डिंग डिंग। अरे भाई ये तली का काम करेगा। अगर शिशिमानू में एक निंजा होने का जोश फिर से जाग गया तभी ये कह सकते हैं कि हमारी मेहनत कामयाब रही। जी ना इसी का नाम है, खाना भी एक काम है। जी ना इसी का नाम। अरे मेरे जान से प्यारे चॉकलेट रोल कहाँ चले गए? तुम जैसे आलसी को कोई निंजा डॉग कैसे कह सकता है? चुप रह, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वापस दे दे उसे। छोड़ूंगा नहीं तुझे। उड़ती गिलहरी की निंजा टेक्निक। तुम निंजा डॉग नहीं रहे, बूढ़े हो गए हो। और हाँ अब तो तुम दुश्मन बनाने के लायक भी नहीं रहे हो। अब मैं चलता हूँ दादाजी। मैं कहता हूँ रुक जाओ। ग्रैंडफादर आपको ताकत उधार चाहिए? ले संभाल इसे। तुम्हारे साथ साथ ये पैंतरे भी पुराने हो चुके हैं। आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ, रुक जाओ। चल चल हवा आने दे। रुक जाओ, कहाँ भागता है कियो के बच्चे? तुमको टका टिकर टका। अब बचकर कहाँ जाएगा तू मुझसे? कबड्डी कबड्डी कबड्डी। इतनी जल्दबाजी में ऊपर आओगे तो हमेशा के लिए ऊपर जाओगे। अरे कबड्डी कबड्डी, अरे रुक जा। लगता है ये घूंचू पहले सर्कस में था। मैं कहता हूँ रुक जा, ये क्या कर रहा है? मैं गिर जाऊंगा, बच्चे की जान लेगा क्या? बचाओ बचाओ, बस ऐसे ही हवा में झूलो और जीने की तमन्ना भूल जाओ। बचाओ बचाओ बचाओ, कुछ करो। नहीं अगर मदद करेंगे तो वो अपना जोश फिर से हासिल नहीं कर पाएगा। बचाओ बचाओ, बच्चे की जान बचाओ। ऐसे हालात में पक्षियों की लैंग्वेज टेक्निक बहुत काम आती है। मेरे प्यारे प्यारे पक्षियों, तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है, चलो काम पर लग जाओ। अब मैं और पकड़े नहीं रह सकता। शुक्र है मैं बच गया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे पक्षियों। अब मैं उस कीओ के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं, उसे बताऊंगा कि मुझ जैसा निंजा डॉग दुनिया में और कोई नहीं है। वाह वाह चॉकलेट रोल्स टेस्टी लग रहे हैं।
अब संभाल मेरे कांटेदार बमों का हमला। पीछे से हमला, ये तो सरासर नाइंसाफी है। अब तो नहीं बचेगा, अब तो नहीं बचेगा, अब आया मजा। बाल बाल बच गया। मेरे हमले से नहीं बच सकते, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। रुको, तुम दबा कर कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे वाह, ये तो बड़ा फ्रेश लगता है। होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो, होली है। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, अब लगाऊंगा तेरे मुंह पे ताला। अब हो गई ना बोलती बंद। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, रुक जा। गया काम से, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, रुक जा, मैं छोड़ूंगा तुझे। ये ले, ये ले। तू तो गया काम से। बच्ची मूली खाओगे? अरे कोई तो रोको इन्हें। प्लीज अंकल, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आपके सारे नुकसान की भरपाई कर देंगे, इससे शिशि मानू को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। जी हाँ, मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जैसी करनी वैसी बनी। सब काम हो जाने के बाद ये बॉक्सेस भी अंदर रख देना, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। मल्ले भाई, आप ये सब कितने देर तक करते रहेंगे? इस स्टोर की हालत बहुत खराब हो गई, इसलिए इसे ठीक करने से पहले मैं नहीं जा सकता। क्या ये सब शिशि मानू ने किया, और की जगह आप मेहनत कर ले? अगर शिशि मानू को इससे कुछ सीख मिलती है तो वो अपना खोया हुआ जोश वापस हासिल कर सकता है। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ हम उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और वहाँ वो मजे से खर्राटे ले रहा है, क्या जमाना है। डिंग डिंग, कबड्डी कबड्डी, हमारा को शरारत पड़ गई भारी। डिंग डिंग, जब इतनी ज्यादा बर्फ गिरती है तो गहरी नींद में सोया भालू अचानक अपनी नींद से जाग जाता है और ऐसे समय पर वो बहुत ज्यादा खतरनाक और चिड़चिड़ा हो जाता है। सर प्लीज, हमें इस तरह डराइए मत। घबराइए मत आईको मैडम, अगर मैं भालू की आंखों में आंखें डालकर देख लूं तो वो डर के मारे दुम दबाकर भाग जाएगा। अगर ये सच बात है तो वाकई कमाल की है। क्या बात है सर, आप तो बहुत बहादुर हैं। मेरी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है। कहानी में ट्विस्ट। लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों करवा रहे हैं? ओ, ये मेरी चाल है, मैं भालू का भेस बना लूंगा और सबका मजाक उड़ाऊंगा। चल अब हो जा, शुरू कियो। ठीक है बॉस। मेरे बॉस का तो हमेशा ऐसे ही फालतू आइडिया सोचते हैं। मैं तो हूँ एक भालू जिसे पसंद नहीं आलू, चलता हूँ भालू की तरह, मीट खाता हूँ भालू की तरह, आज नहीं तो कल मुझे मिलेगी ड्रीम गर्ल। उड़ती गिलहरी की निंजा टेक्निक। क्या बात है हथौड़ी, तुम्हारा जवाब नहीं। तारीफ के लिए शुक्रिया। सर आप वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? जल्दी नीचे आइए। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मुझे स्की करना नहीं आता? क्या हुआ सर, जल्दी नीचे आ जाइए ना, जल्दी। हाँ हाँ हाँ, बस आ रहा हूँ, अब तो नीचे जाना ही पड़ेगा। हट जाओ। सर कहाँ जा रहे हो? क्या बात है सर, संभल कर। अरे कोई रोको, रोको। सर आपके सर पर चोट तो नहीं लगी ना सर? आप ठीक तो है ना सर? मैं तो बस ये दिखा रहा था कि इतनी तेजी से नीचे आना कितना खतरनाक हो सकता है। ये देखिए सर, ये तो भालू के पैरों के निशान है। क्या? सही कहा, ये भालू के पैरों के ही निशान है। बहुत बुरा हुआ, चलो हम फौरन लॉज वापस चलते हैं। अब देखता जा के नीचे के बच्चे, मैं डर के मारे कैसे तेरी हवा निकालता हूँ।
मैं तो हूँ एक भालू जिसे पसंद नहीं आलू, चलता है भालू की तरह, मीट खाता है भालू की तरह। हाँ बहुत थक गया हूँ, आराम कर ले। बचाओ बचाओ, ये तो असली वाला भालू है। बॉस मुझे बचाओ, अगर भालू मुझे खा जाएगा तो आपको बॉस कौन करेगा? बॉस बचाओ। ओह नो, शिशिमानो शिंजो और हमारा कहीं नजर नहीं आ रहे। मैं उन तीनों को ढूंढने के लिए जाता हूँ, तब तक तुम सब लोग लॉज में चले जाओ, ठीक है? तुमने ठीक कहा हथौड़ी। डिंग डिंग, चलो बच्चों हम जल्दी से लॉज वापस चलते हैं। हाँ चलो चलो, जल्दी चलो। भालू आ गया। घबराओ नहीं बच्चों, सर बस इसकी आंखों में आंखें डालकर देखेंगे और ये भाग जाएगा। क्या? वो असल में सर, इसे अच्छी तरह घूर कर देखिए सर, भगा दीजिए इसे। माँ लेकिन वो सर, रुको मैं भी आ रहा हूँ। युमी को डरो नहीं, मैं इसे घूर कर देखती हूँ। मैं भी यही करती हूँ। अरे बड़ा ही अजीब भालू है। हाँ इतनी जल्दी कैसे चला गया? मैं ऊपर से ही ऊपर ना चला जाऊं बॉस। डिंग डिंग, ओए भालू के बच्चे। हथौड़ी मेरे दोस्त, कम से कम तुम तो बचाओ। अगर हिम्मत है तो मुझसे टक्कर लेके दिखा। डिंग 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 डिंग। वाह बहुत बढ़िया, क्या बात है, कमाल है कमाल है। अब जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। डिंग 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 डिंग, बर्फ का गोला लुढ़काने की निंजा टेक्निक। टेक्निक काम कर गई। जमीन से उड़ा पेड़ पर लटका। क्या बात है, क्या हो रहा है? डिंग 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 डिंग। मैं जिंदा नहीं हूँ। ओए तेरी, ये तो असली भालू आ गया, कोई है बचा। हे कैनी जी, डरने की कोई बात नहीं है, ये बस भालू का सर है जो हमारी लॉज की दीवार पर लटका हुआ था। ओ तो तुम हो हथौड़ी, मैं तो डर ही गया था। सर आप इतनी मुश्किल हालात में भी हंस रहे हैं, आप सच में बहुत ही बहादुर हैं। हाँ सर, आपका वाकई जवाब नहीं। तुम सब लोग गलत समझ रहे हो, सर तो खड़े खड़े बेहोश हो चुके हैं, देखो तो सही। इसीलिए कहते हैं बहादुरी की बातें करने से कोई बहादुर नहीं हो जाता। डिंग डिंग।